हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज मतलब 28 सितंबर 2019। तो डायरेक्टली चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया अनाउंस हाउ मेनी मिलियन डॉलर ग्रांट फॉर हाई इंपैक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज। बेसिकली पहले तो इस रीजन को समझने की कोशिश करिए। इंडिया, ये हमारा इंडिया है। इसके आप ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो ये मलाया पेनिनसुला। अब मलाया पेनिनसुला से इधर जाएंगे देन इंडोनेशिया एंड ऑल दोज। ये चाइना वाला रीजन हो गया, चाइना एंड रशिया। ओके, अब ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज ये नॉर्थ अमेरिका। ओके, और ये साउथ अमेरिका। आप लोग एक चीज देखिए, अब ये जो वाला रीजन है ना, ये बीच वाला, दिस इज पैसिफिक रीजन। ओके, तो इस रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नाम का एक कॉन्टिनेंट है, उसके साइड में जस्ट देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज हैं। अब ये आइलैंड कंट्रीज ऐसा नहीं कि सारे डेवलप्ड हैं, इनमें बहुत सारे डेवलपिंग हैं। अब यहाँ पे हमें हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट भी चाहिए, ठीक है। तो उन सब के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो न्यूयॉर्क में हैं, यूएनजीए की जो मीटिंग है उसके रिगार्डिंग, तो वहाँ उन्होंने इनके जो ग्रुप है एक, उससे बातचीत की और ये बात का जिक्र किया कि हम लोग वहाँ पे आपकी मर्जी वाले, मतलब कि आप जिस टाइप का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाहते हैं उस टाइप के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हम लोग आप लोगों को देंगे। तो वो मनी कितना देना है वो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया, तो वो है 12 मिलियन डॉलर। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 2019 राइट्स लाइवलीहुड अवार्ड विच इज ऑल्सो नोन एज स्वीडन्स अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। तो स्वीडन कंट्री आप लोगों को पता है यूरोप का कंट्री है, पहले तो स्वीडन के बारे में ध्यान रखिए, यूरोप, सॉरी। ओके, अभी आप लोगों ने एक शख्सियत है जो कि बहुत न्यूज में है, एक यंग लड़की है, उनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। वो चाइल्ड एक्टिविस्ट है, बेसिकली इन्वायरमेंटलिस्ट है। उन्होंने अपनी जो स्कूलिंग की एज है उससे ही इस चीज़ का लाइक मुद्दे को उठाया है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो रियल है, प्लस उस पर वर्ल्ड कम्युनिटी के जितने भी लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं लाइक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में, और इतना ज़्यादा इन्फ्यूज़ कर रहे हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो इन्वायरमेंट में, वो इस चीज़ पर ध्यान दें कि ये चीज़ें रिड्यूस हों, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज के जो रिपरकशंस हैं आप लोगों को देख ही रहे हैं कि लाइक इंस्टेंट बढ़ जा रहे हैं, लाइक फ्लैश इवेंट ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कि तुरंत आग लग जाती है कहीं भी, लाइक फॉरेस्ट में आग लग जा रही है, या फिर फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक साथ टेम्परेचर बढ़ जाता है कहीं पर, एक साथ लाइक आप देखेंगे फसल पूरी ख़राब हो जाती है। तो इस टाइप के इवेंट हो रहे हैं, इन सब के लिए वो बोल रहे हैं कि ये अर्थ के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, प्लीज़ इस पर अटेंशन डालिए। तो ऐसी वो भी शख्सियत स्वीडन से ही बिलोंग करती हैं, ठीक है, पहली चीज़। तो ये जो अवार्ड है ये मिला है तीन लोगों को 2019 का, तो वो तीनों शख्सियत है ग्रेटा थनबर्ग, डेवी कोपेनवा और जुओ जियानमी। अब जुओ जियानमी है ये एक चाइनीज एक्टिविस्ट हैं जो कि वीमेंस के राइट्स के लिए काम करते हैं। ओके, और ग्रेटा थनबर्ग के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू है उसका ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका फाइनल आंसर है ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च द न्यू कैंपेन टीबी हारेगा देश जीतेगा। तो ये कैंपेन है, एक्चुअली क्या है ना, इंडिया का टारगेट है कि 2025 तक हमें टीबी को इंडिया से एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट से मेरा सेंस क्या है कि वो कंट्रोल्ड हो जानी चाहिए, कि हर पेशेंट के पास इलाज पहुंच जाए, प्लस वो रिकवरेबल स्थिति में हो। तो गवर्नमेंट चाहती है कि 2025 तक ये चीज़ें हर घर में पहुंच जाए जहां पे भी टीबी के पेशेंट्स हैं, और प्लस इसे कंट्रोल किया जा सके और इसे फैलना, इसे रोका जा सकते। उसके लिए क्या होता है, एक्चुअली इस टाइप के जो डिजीज होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। कम्युनिकेबल का मतलब कि एक दूसरे से फैलते हैं। अब एक दूसरे से फैलते हैं तो इसमें बेसिकली कैंपेन का ज़्यादा काम आता है कि लोगों को जागरूक किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि
जिसको जो लाइक ये वाला डिजीज है, तो वो ऐसा नहीं कि उसे लाइक पब्लिकली कहीं भी खांस रहा है या फिर वॉट एवर दे आर डूइंग, तो उससे क्या हो रहा है कि आसपास के लोग भी इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो अगर उन्हें जागरूकता होगी तो शायद कुछ लोगों को बचाया जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसने एक कैंपेन चलाया है जिसका नाम है टीबी हारेगा देश जीतेगा। इसमें एक्चुअली जागरूकता प्रोग्राम है, इसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो जो इसे स्टार्ट किया है ऑप्शन डी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके जो मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन जी हैं। ओके, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फीचर ऑफ CSC मशीनरी। तो CSC मशीनरी ऐप, एक्चुअली आप लोगों को पता ही है कि इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनकी स्थिति क्या है। स्थिति का मेरा मतलब है कि उनके पास कितना लैंड है, कितना लाइक लैंड का साइज है। आप देखेंगे 85% जो इंडिया में जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स होते हैं, मार्जिनल और स्मॉल का मेरा मतलब क्या है कि 2 हेक्टेयर लैंड जिनके पास उससे कम होता है 2 हेक्टेयर से, उन्हें आप स्मॉल फार्मर्स बोलते हैं। ओके, अब जो 2 हेक्टेयर लैंड होती है वो इतना वाइबल नहीं होता है कि उस पर आप मशीनरी या फिर आप बैंक में जाएंगे लोन लेने की कोशिश करेंगे कि उसके अगेंस्ट में आपको कहीं से मशीनरी मिल जाए या फिर कोई प्लांट लगाना चाहें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वो नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे में क्या एक सोल्यूशन निकलता है कि चूंकि हमारे देश का और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ये सपना भी है कि 2022 तक हमें किसान की इनकम को डबल करना है, तो कैसे किया जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि इंडिया में एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है, आपको पता ही है कि बड़े लेवल पे माइग्रेशन हो रहा है, लोग खेती छोड़ छोड़ के शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो कैसे, चूँकि शहर हमारे अभी इतने लाइक कैपेबल नहीं है कि वो इतनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर पाए, तो हमें वहीं पे लोगों को लाइवलीहुड देना पड़ेगा। इसी मुहिम में गवर्नमेंट चाहती है कि एक ऐसा ऐप उन्होंने लॉन्च किया है जिसको कि CSC मशीनरी ऐप बोलते हैं। CSC मशीनरी ऐप का मतलब क्या है, पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये ऐप किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर उसने लॉन्च किया है। दूसरी चीज़ क्या है, CSC मतलब कस्टम हायरिंग, ठीक है, कस्टम हायरिंग सेंटर्स। मतलब क्या है इसका, गवर्नमेंट चाहेगी कि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हों जहाँ पे कि बहुत मशीनरी सारी अवेलेबल हो, और प्लस आसपास के जो किसान हैं, आसपास से मेरा सेंस है 50 किलोमीटर की रेडियस में, 50 किलोमीटर की रेडियस में जितने भी फार्मर्स हैं वो इस ऐप की हेल्प से, आपको जब भी रियल टाइम में मशीनरी चाहिए, जैसे कि मुझे आज खेती करनी, लाइक खेत की जुताई करनी है या फिर आज मुझे हार्वेस्टिंग करनी है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू, तो वो जब करना है तो मैं क्या करूँगा उस ऐप की हेल्प से। जैसे आप देखते हैं ना अमेजन पे आप लोग कभी भी कुछ भी मंगा लेते हैं या फिर स्विगी या फिर किसी भी ऐप के थ्रू आप खाना मंगा लेते हैं, इस टाइप से रियल टाइम में आप मशीनरी वगैरह बुला सकते हो। तो इसे जो ऐप है इसके बारे में कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ठीक है, आप देखेंगे ऑप्शन ए देखेंगे, इट इज़ अ मल्टीलिंगुअल ऐप, मतलब ये बहुभाषी, मतलब सारी भाषा, बहुत सारी भाषाओं में से लॉन्च किया गया, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, तो आपको किसानों को उनकी जो भाषा है उसमें ये चीज़ सहूलियत से पहुँचानी पड़ेगी। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन बी देखेंगे, फार्मर विल चूज एंड ऑर्डर द मशीनरी फॉर एग्रीकल्चर। तो इसमें एक्चुअली मैं जिक्र कर रहा था जिस चीज़ का कि मशीनरी आप लाइक चूज करो कि कौन सी वाली आपको चाहिए, ये वाला हार्वेस्टर चाहिए या फिर टिलर चाहिए, जो भी वो आपको चाहिए, और फिर उसे आप ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि दिस ऐप विल हेल्प फार्मर टू इंक्रीज देयर इनकम। जैसा मैंने बोला कि छोटे लैंड पे एक्चुअली कंस्ट्रेन होते हैं कि आप मार्केट से कैपिटल भी नहीं उठा सकते, प्लस बैंक इतना लोन भी नहीं देते क्योंकि आपके पास बहुत छोटा साइज है लैंड का, तो इसलिए क्या है कि वो मशीनरी का यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन इस ऐप की वजह से क्या होगा कि एक बल्क में जब मशीनरी रहेगी तो क्या है, आप ऐप उसको यूज़ कर पाओगे। जब मशीनरी यूज़ होगी तो देन आप लोग समझते हैं टेक्नोलॉजी जहाँ इंटरवेंशन होता है वहाँ पे अपने आप ही प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, मशीन वही काम लाइक छोटे टाइम में और छोटे स्पीड से कर सकती है, तो उसमें क्या रहता है कि किसान को इनकम भी बढ़ेगी उसकी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके ABC 3 ऑप्शन ठीक हैं, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज अप्रोप्रिएट आंसर। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 का फाइनल आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विद रेस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट 6 R इज स्टैंड फॉर। मतलब 6 R जो वर्ड है जो इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में, एक्चुअली ये वर्ड यूज होता है बार बार कि 6 R फॉलो किए जाने चाहिए कि इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में, कि इवन प्लास्टिक हो या कुछ भी हो, तो ये चीज़ों का कभी कभी जिक्र होता है। तो ये बेसिकली किस चीज़ का जिक्र कर रहा है, तो इसमें जो 6 R है वो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीडिजाइन, रीमैन्युफैक्चर
एंड रीफर्नेस, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन ऑनर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग विद द वेटरन पिन अवार्ड। एक्चुअली क्या है कि इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है एथलेटिक्स की, वो उसने इंडिया की एक वेटरन, जो वर्ड आया था वेटरन का मतलब होता है पुराने, जो जिन्होंने बहुत सारा पहले काम किया है, जैसे कि आर्मी वेटरन, मतलब उन्होंने आर्मी में पहले काम किया था लेकिन अभी नहीं काम कर रहे वो, तो इस टाइप से एक वेटरन अवार्ड पिन अवार्ड है उसे दिया गया है। वो किसको दिया गया है आप लोग देखेंगे ऑप्शंस में, देन मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी प्लेइंग। तो हिमा दास भी खेल रही हैं, साइना नेहवाल भी और पीवी सिंधु, इनको भी वेटरन में गिना जाएगा जब ये अगर 16 अंडर 17 की बात होगी, क्योंकि वो उस टाइम बहुत दिन पहले खेल चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो इंडिया की एक फेमस एथलीट रही हैं पीटी उषा, उनको इस अवार्ड से नवाजा गया। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पीटी उषा को किसने नवाजा है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी नाम जोड़ सकते हैं, तो याद रखना है इंटरनेशनल एसोसिएशन ने इन्हें नवाजा है, ठीक है। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पीएम मोदी एड्रेस द फर्स्ट एवर इंडियन कैरिकॉन लीडर समिट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो एक्चुअली क्या है ना कि इंडिया कैरी कॉन, पहले तो इसे समझना पड़ेगा, कैरी मतलब ये दो वर्ड से मिलके बना है, कैरिबियन, आप समझते हैं वर्ड कैरिबियन कम्युनिटी, इसमें से ये वर्ड इतना ले लिया और इसमें से इतना लेके ये वर्ड बनाया इन्होंने कैरी कॉम, ठीक है। अब कैरी कॉम इंडिया के रिलेशंस एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों को पता ही होगा कि इंडिया जब ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था उस टाइम पे इंडिया से बहुत सारे लोग वहाँ पे बसे थे, तो इंडिया के जो कैरिबियन कंट्रीज हैं वहाँ पे अच्छे रिलेशंस है, इवन वहाँ के जो लोग रह रहे हैं आसपास वो आज भी इंडिया के साथ कल्चरल टाई रखते हैं। तो इंडिया चाहता है कि वो जो उनका एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन क्या है कि आप लोग अगर मुझे आप इधर मैप पे फोकस करें, मैं एक मैप बनाने की कोशिश करूँगा कि लेट्स से दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, थोड़ा छोटा मैप बनाया है लेकिन आप ट्राई करें इसी में समझने की, और ये वाला रीजन है ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ओके। इधर साइड में देखेंगे हवाना आइलैंड है, उसके आसपास यहाँ बहुत सारे आइलैंड हैं जिनको हम लोग वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, वो वाला रीजन है ना, ये कैरिबियन रीजन, ये यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस पहले बसे थे, उसके बाद आज भी उनके कल्चरल टाई है इंडिया के साथ। दूसरी चीज़ क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ये वाली कम्युनिटी है, इनके पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड मतलब अगर आप एक आइलैंड पे एंट्री बना देते हो अपने प्रोडक्ट की, इंडिया वाले की, तो इसमें फ्री एंट्री जाएगा, अलग से कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। तो उससे क्या, अगर इंडिया के इनके साथ रिलेशंस अच्छे हैं तो क्या होगा कि इंडिया के प्रोडक्ट की लाइक मार्केट में एक्सेस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जो कैरी कॉम में इसमें टोटल 15 मेंबर कंट्रीज हैं, ओके। तो ये किस प्लेस पे अभी इसकी समिट हुई है, वो हुई है न्यूयॉर्क में, ओके। आप लोग मुझे बताना एक चीज कि यूएन जनरल असेंबली, इसका अभी सेशन चल रहा है, वो कौन सी जगह पर है, यूएन जनरल असेंबली है उसका जो बिल्डिंग है वो किस शहर में स्थित है। अगर आप इस क्वेश्चन को जो मैंने समझा है अगर उसे समझने की कोशिश करेंगे देन आंसर उसी में छुपा है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नॉर्थ मैसेडोनिया इज नॉट बॉर्डर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। मैसेडोनिया ना एक कंट्री, ये बहुत ही फेमस कंट्री है, आप ग्रीक की पुराने टाइम में जाएंगे ना, एथेंस के टाइम पे, तो ग्रीस की हिस्ट्री में देखेंगे तो इस कंट्री का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है मैसेडोनिया का। मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, सिकंदर नाम का एक राजा रहा है, उसका इससे कुछ रिलेशन है। आप लोग मुझे बताएंगे कि मैसेडोनिया और सिकंदर का क्या रिलेशन है, ठीक है, सिकंदर द ग्रेट जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं, ठीक है। ग्रीस का जो पूरा एम्पायर था उसमें आप देखेंगे ईस्टर्न साइड, मैंने अगली स्लाइड में मैप डाला है उसका, तो उसमें आप लोग पहले समझ लीजिए बेसिकली कि ये कंट्री कहां पर है, मैं कहां की बात कर रहा हूं। तो ये यूरोप का मैप है, ये इटली है, और ये देखिए नॉर्थ मैसेडोनिया, ये जो कंट्री है ये आसपास, इनको बालकन्स रीजन बोला जाता है। बालकन्स मैं इसका इवन जिक्र भी कर चुका हूँ बहुत सारी स्लाइड्स में,
कि बालकन, इवन इंग्लिश में एक वर्ड भी बन गया है बालकनाइजेशन, मतलब किसी चीज़ को तोड़ देना ना, उसको बालकनाइजेशन बोलते हैं, तो वो यहीं से निकला है। ये बालकन्स रीजन है, इसमें क्या था कि बहुत सारी कंट्री थे, पहले एक दो कंट्री था, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद देखना ऐसे टूट गए, इतने छोटे छोटे कंट्री, बहुत सारी कंट्री बन गई, तो वहाँ से एक वर्ड भी बन गया बालकनाइजेशन ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, जिससे कि उसकी जो पावर है ना वो लाइक रहे ना, सेंट्रल अथॉरिटी लाइक वैनिश हो जाए। अब आप देखिए इसके साथ किस किस कंट्री का बॉर्डर लगा है, इधर देखेंगे अल्बेनिया है, इधर ग्रीस है, एंड दिस इज कोसोवो। कोसोवो कब आज़ाद हुआ है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इंडिपेंडेंट कब हुआ है, ये रिसेंटली हुआ है, बहुत पुरानी बात नहीं है ये। दूसरी चीज़, सर्बिया एक कंट्री है, एक टेनिस के एक प्लेयर हैं जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं और बड़े प्लेयर हैं। आपको मैं इस चीज़ का, जब मैं विंबलडन की बात, सॉरी ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर रहा था, और ऑस्ट्रेलियन ओपन प्लस इसकी यूएस ओपन की बात कर रहा था, तो मैंने उस खिलाड़ी का जिक्र किया था, तो आप लोगों से मैं ये कमेंट सेक्शन में चाहता हूँ कि सर्बिया के वो कौन से प्लेयर हैं, टेनिस स्टार हैं, जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी क्वेश्चन पे वापस चलते हैं दोबारा, तो क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि किस कंट्री से बॉर्डर नहीं लगा, तो आप दोबारा देखिए, तो इसमें इटली जो कंट्री है उससे बॉर्डर नहीं लगा इसका, इटली बिल्कुल अलग पड़ जाता है, क्योंकि ये वाला यहाँ रीजन है, इटली बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका करेक्ट आंसर होगा इटली, तो इसमें पूछा है नहीं लगा है, ओके, किसके साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता, तो वो इटली के साथ शेयर नहीं करता, कोसोवो के साथ भी करता है, अल्बानिया के और इसके, तो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि NSS नेशनल सर्विस स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। NSS के बारे में आप लोगों को सुना ही होगा, दो चीज़ें जो स्कूल में सबसे ज़्यादा सुनते हैं, एक तो NSS और एक NCC, दो चीज़ें होती हैं कि NCC का कोर्स लेते हैं बच्चे या फिर NSS का। NSS क्या है, एक्चुअली इंडिया के जो यूथ है उसके बीच में ये चीज़ की लाइक एक जागरूकता लाना कि उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, जिससे कि वो क्या है कि लाइक आसपास अगर उसका कॉलेज है, उसके आसपास जो भी विलेज है वहाँ जाके विजिट करे, प्लस स्लम्स एरिया में वहाँ अगर लोगों को एजुकेशन नहीं है तो आप एक दो घंटा निकाल के उनको पढ़ाएं, या फिर बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के, उन्हें आप लोगों को जागरूक करें, तो ये सब चीज़ के लिए लोगों के बीच में लाइक यंग पॉपुलेशन है उसके बीच में लोगों के प्लस एम्पैथी जागृत करें, उसके लिए प्रोग्राम लाया गया। तो ये मिनिस्ट्री कौन सी है, और ये ध्यान रखना, ये 1969 में स्टार्ट किया गया प्रोग्राम, ओके, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। ये थोड़ा सा कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप इसमें घूम सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को लगे शायद HRD मिनिस्ट्री समथिंग देख रही होगी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की जहाँ बात आती है तो HRD मिनिस्ट्री कुछ देखती है, लेकिन ध्यान रखना कि NSS स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, ओके। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलते हैं 10th क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू GIFCT। एक्चुअली क्या है GIFCT, इसका पहले आप फुल फॉर्म समझ लीजिए, ग्लोबल इंटरनेट फोरम टू काउंटर टेररिज्म। एक्चुअली आप लोगों को पता ही है कि सोशल मीडिया एक बड़ा चैलेंज बना है, क्योंकि उसमें ना आप रेडिकलाइज कर सकते हो लोगों को, प्लस जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं जैसे यूट्यूब से लेके जितने भी गूगल रहा या फिर और भी जितने भी हैं, तो उन पे एक्चुअली ट्विटर रहा, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे वो रहे, उसमें एक्चुअली ये चीज़ देखा गया कि लोगों को इन जो ऐप हैं, क्योंकि ये पब्लिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये लोग, और इनको एक कम्युनिकेशन का मीडियम भी समझा जा रहा है। दूसरी चीज़, ये बहुत चीप है, आप यूज़ करेंगे तो फेसबुक का कॉस्ट क्या है, कुछ भी नहीं लगती आपको, तो लाइक कम्युनिकेशन का एक तो चीपेस्ट मोड है, दूसरी चीज़ लोगों के पास एक्सेसिबिलिटी है जिससे कि मोबाइल लोगों के हाथ में, तीसरा चीज़ क्या है कि इसे मास लेवल पे एक साथ टारगेट किया जा सकता है लोगों को, तो उसमें क्या हो रहा है, लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है और गलत कंटेंट डाला जा रहा है लाइक इंटरनेट के थ्रू लोगों के दिमाग में। तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ हैं, इन्होंने एक फोरम बनाया, शुरुआत में 4 कंपनियाँ थी, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर एंड यूट्यूब, इन्होंने इस चीज़ का प्रण लिया कि हम अपने जो फोरम हैं या फिर अपनी साइट है उस पर इस टाइप के कंटेंट को देखेंगे, प्लस अलाउ नहीं करेंगे इस टाइप के कंटेंट को।
बाद में ये ग्लोबल लेवल पे गया तो बहुत सारी और कंपनियों ने इसको ज्वाइन किया है। तो बेसिकली ये किस लिए, काउंटर टेररिज्म को लड़ने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे एक्चुअली क्या है ना, आप देखते हैं कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है उसके बाद ये सब संस्थाएं न्यूज़ में आने लगती हैं, क्योंकि ये बड़े लेवल पे कॉल करती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वाला कंटेंट हटना चाहिए इस वाली वजह। इस जैसे इंडिया में भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल है, लाइक प्रीचर, इस्लामिक प्रीचर, जिनको कि मलेशिया में असाइलम मिला हुआ है, मैं आप लोग समझ गए होंगे इनकी बात कर रहा हूँ, वो एक्चुअली इस मीडियम का यूज़ करते थे। और बहुत सारी इवन आप लोग देखते ही हैं कि साउथ इंडिया में देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी मॉड्यूल बस्ट हुआ है, उसमें ये चीज़ देखा गया कि इंटरनेट के थे। इवन आईसिस का आप लोग केस सुनते होंगे, आईसिस ने बहुत सारे जितने लोगों को रेडिकलाइज किया था उसमें सोशल मीडिया उनका प्राइम लाइक डिलीवरी, मैसेज डिलीवरी का सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। तो इसके बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, आप लोग इस संस्था के बारे में समझ ही गए होंगे। प्राइवेट है, दूसरी पहली चीज़ ध्यान रखना है प्राइवेट है, किसी गवर्नमेंट की नहीं है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये जुलाई 2017 में इसको स्थापित किया गया था, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इट डेडिकेटेड डिस्टर्बिंग टेरर अब्यूज ऑफ मेंबर डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, शुरुआत में जो चार कंपनियां मैंने जिसको बताया है कि वो इसमें साथ आई और उन्होंने ये बेड़ा उठाया। और लास्ट ऑप्शन मतलब ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसके साथ ही आज के करंट अफेयर यहीं पे ख़त्म होते हैं। प्लस मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि हमारे डाउटनेट के एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल है, उस पर प्लीज़ विजिट करिए। प्लस आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। प्लस कोई भी सजेशन है आपके दिमाग में, कुछ भी आता है कि इस टाइप की, या फिर कोई एग्जाम है, या फिर इस टाइप के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।